जय तुलसा मैया। आज है दोस्तों बैकुंठी चौदस, जिसमें कि आज हम लोग करने जा रहे हैं तुलसी और सालीग्राम जी का विवाह। आज सुबह से ही मैंने सब कुछ अपने घर का काम कर कर आके फ्री होके नहा धो के मैं सबसे पहले आई, और कुछ मैंने पेंटिंग कलर से नीचे रंगोली बनाई, अपने तुलसा माँ के पौधे को कुछ इस तरीके से सजाया जिस पे मैंने राधे कृष्णा श्री वासुदेव और बहुत सारी भगवान के नाम लिखे, और बहुत अच्छे से अपने गमले को सजाया। ये सब हम लोग बचपन से ही देखते आ रहे हैं, अपनी दादी जी को देखा, वे अपनी मम्मी को देखा किस तरह से वो पूजा करती रहती हैं। तो इस तरीके से मैंने आज अपने घर में तुलसी विवाह किया। देखिए इस तरीके से मैंने गमले को सजाया है, नीचे पेंटिंग कलर से मैंने रंगोली बनाई है। वैसे तो पहले के टाइम में, दादी जी के टाइम में, मम्मी के लोग तो अभी भी खड़िया और गेरू से ही रंगोली बनाती हैं, लेकिन आज मैंने सोचा कुछ डिफरेंट किया जाए, तो मैंने वो डिफरेंट किया। उसके बाद फिर मैंने अपने तुलसा माँ के पौधे को लहंगा और ओढ़नी पहना के तैयार कर दिया, और आगे एक पटरा लगा के उस पर एक सुंदर सा कपड़ा बिछा दिया। फिर उसके बाद हमने सारी तैयारी कर ली, कुछ सुहाग का सामान, फूल, पूजा की थाली, भगवान के लिए भोग का भोग बनाया, खाने में पूरी सब्जी रायता ये सब चीज़ें बनाई, भोजन की थाली लगाई, पूजा की थाली लगाई, गणेश भगवान को यहाँ बिठाया। फिर उसके बाद अपने सालीग्राम जी मतलब कृष्ण जी को यहाँ बिठाया और तुलसा माँ के साथ उनका गठबंधन करने की तैयारी की। कितनी सुंदर स्वरूप लग रहा है देखने में कृष्ण भगवान का और तुलसा माँ का, लग रहा है साक्षात तुलसा माँ आ गई हैं और कृष्ण भगवान तो बैठे ही हुए हैं। देखिए इस तरह से हमने कुछ तैयारी की और भगवान को सभी कुछ अर्पित किया, सुहाग का सामान, साड़ी, गणेश भगवान का पूजन किया, दीपक प्रज्वलित किया, हवन के लिए ये कंडी मैंने रख दी थी और ये किशमिश कुछ निकाल रही थी जिससे कि मैं फेरी दे सकूँ 108। पूजा की थाली तैयार थी। फिर उसके बाद हमने पूजा करने के लिए कर चुकी थी मैं, उसके बाद फिर टीवी पे भजन लगा लिए थे और धीरे धीरे करके 108 फेरी दे रही थी, भगवान का नाम लेते हुए, भजन गाते हुए। ये समय भी हमारा व्यतीत हुआ और माता रानी की हमने 108 फेरी किशमिश से और जौ से ले ली। आप सभी भी इस पूजा को ज़रूर किया कीजिए, और बहुत अच्छा लगता है इस पूजा को करने में, एक अलग ही आनंद की अनुभूति होती है। तुलसा मैया और सालीग्राम भगवान हम सब पर अपनी कृपा बनाए रखें, सुख समृद्धि बनाए रखें सबके घरों में, ऐसी मेरी मनोकामना है। इस पूजा को करने से सभी के घर में सुख समृद्धि धन धान्य की वृद्धि होती है और मन को एक अलग ही शांति प्राप्त होती है। सभी को इस पूजा को, सभी सुहागन औरतों को इस पूजा को ज़रूर करना चाहिए। मेरी सास ने बताया था कि इसको बैकुंठी चौदस को किया जाता है, तो मैंने बैकुंठी चतुर्दशी को तुलसी विवाह किया। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तुलसी विवाह की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। जय तुलसा माँ।